तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टेराबॉक्स के अंदर जो बहुत सारे अनोइंग एड्स आते हैं ना, जब भी आप कोई वीडियो या फिर मूवी देखते हो तो बहुत सारे ऐड आते हैं, आप लोग कैसे उन ऐड से बच सकते हो। और आपको कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, आप मेरा सोल्यूशन यूज करो और उन ऐड से आप लोग छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये होगा कैसे। बट उससे भी पहले हम लोग एक चीज चेक करने वाले हैं कि अभी जब मैं इस लिंक को ओपन करता ना, तो मेरा नॉर्मल टेराबॉक्स मुझे कितने ऐड दिखाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा टेराबॉक्स ओपन हो रहा है और देखते हैं कि कितने ऐड आएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही लिंक ओपन हुई, मतलब क्लिक होके जैसे टेराबॉक्स खुला, यहाँ पे फालतू का एक ऐड आ गया, ठीक है। अगर मैं इस ऐड को बैक करना चाहूँ, देखिए जैसे मैं बैक करना चाहा और भाई यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर खोल दिया इन लोगों ने। फिर से मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड चल रहा है। मैं इसको कट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये आ चुका है फिर से स्नैपचैट का। और अगर मैं इसको फिर से बैक करने की कोशिश करूँ या फिर यहाँ से कट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ टेराबॉक्स खुल जाएगा। बट यहाँ पे देख पाओगे कि अभी और भी बहुत सारे ऐड आना बाकी है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतने ही आए, बट यहाँ पे और भी ऐड आते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टेराबॉक्स को यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, टेराबॉक्स मैंने कट कर दिया। आप अपने फोन के अंदर अब जाना सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। मैं अपने फोन की सेटिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जब भी आप टेराबॉक्स को यूज करें तब आप ये सोल्यूशन कर लें, और जब आप लोगों का टेराबॉक्स का काम खत्म हो जाएगा तब आप लोग एक काम करना, इस सोल्यूशन को हटा लेना और वापस से अपना नॉर्मल फोन चलाना, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने कनेक्शंस में जाना है और मोर कनेक्शन सेटिंग में जाना है और प्राइवेट डीएनएस ढूंढना है। अब याद रखना कि जरूरी नहीं कि प्राइवेट डीएनएस आपका इसी जगह पे हो। मेरा सैमसंग का फोन है, मेरा यहाँ पे, आप लोगों का अगर यहाँ ना मिले तो ये जो प्राइवेट डीएनएस है ना, इसको आप लोग सर्च कर सकते हो, क्योंकि आजकल हर एंड्रॉयड के फोन के अंदर सेटिंग के अंदर सर्च का ऑप्शन है। आप लोग प्राइवेट डीएनएस सही स्पेलिंग डाल के सर्च करना, ठीक है, आप लोगों को प्राइवेट डीएनएस मिल जाएगा, ओके। अब प्राइवेट डीएनएस के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। अब प्राइवेट डीएनएस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे पास तीन ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। अभी मेरा प्राइवेट डीएनएस ऑफ है, बट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, ठीक है, इसके ऊपर टिक कर देना है। ये आपका जैसे ही आ जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ टाइप करने की सहूलियत दे देंगे कि आप लोग कुछ टाइप कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आप लोगों को सेम टू सेम यही चीज टाइप करनी है। मैं कहीं और इस चीज के बारे में बात नहीं करने वाला, मतलब डिस्क्रिप्शन या कहीं और नहीं दूंगा, छोटा सा टेक्स्ट है, आप लोग देख लीजिए, dns.adguard.com, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक। मैंने लिख दिया, लिखने के बाद मैंने कर दिया सेव। और जैसे ही आप लोग सेव करोगे ना, आपका जो प्राइवेट डीएनएस है वो यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप का दिखाने लगेगा, ठीक है। अब जब आप लोगों का काम खत्म हो जाए, अभी मैं दिखाऊंगा कि ये क्या बेनिफिट देता है, बट जब आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा प्राइवेट डीएनएस का, तो आप लोगों को हटाना कैसे ये अभी बता दे रहा हूँ। आपको सिंपल से इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ से भाई आप लोगों को ऑफ पे टैप कर देना है, प्राइवेट डीएनएस बंद हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि काम कैसे करता है ये। देखिए, प्राइवेट डीएनएस आपने ऑन किया, अब ये प्राइवेट डीएनएस एड्स को रोकेगा आने से। बट कई बार कुछ जगहों पे क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर क्लिक करते तो प्ले स्टोर खुलता है, और उससे आदमी का दिमाग और खराब होता है कि बार बार प्ले स्टोर बंद करना पड़ रहा है। तो आप लोगों के फोन में अगर इस चीज की फैसिलिटी हो तो आप लोग ये कर सकते हो। देखो, मेरे में है ये फैसिलिटी, तो मैं ये कर ले रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे देखिए, मेरे में एक डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आप लोगों में भी आए, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आता है तो आप लोग इसको कर लो। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको डिसेबल कर दिया, प्ले स्टोर अभी गायब हो जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर अभी गायब हो जाने वाला है, और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि प्ले स्टोर को लाना कैसे है। आप लोगों को क्या करना है, सीधे सेटिंग में जाना है, ठीक। सेटिंग में गए आप लोग, अब सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा ऐप वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैं अगर ऐप वाले सेक्शन को ढूंढ पाऊँ, ओके, यहाँ पे मेरा ऐप वाला सेक्शन है। आप लोगों को अपने ऐप के सेक्शन में चले जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद, और ऐप के सेक्शन में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्ले स्टोर मिलेगा और ये डिसेबल है। आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे टैप करके इनेबल कर देना है और आपका प्ले स्टोर भी इनेबल हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, प्ले स्टोर का आइकन बाहर आ जाएगा, अभी आइकन गायब हो जाता है, ठीक है, जब आप लोग डिसेबल करोगे प्ले स्टोर को। पर अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे टेराबॉक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या हम लोगों को अभी भी वो फालतू का ऐड देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे पास वो लिंक है, हम लोग सिंपल से इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और अभी देखिएगा मेरा टेराबॉक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है। सबसे पहले इस टाइप का कुछ सेक्शन होता है,
ठीक है, आप लोग पहले से कंपैरिजन करिएगा। कोई प्रीमियम मैंने नहीं लिया है, बट आप लोगों को कंपैरिजन करना है कि पहले क्या चीज़ थी और अभी क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे कि थोड़ा सा कुछ लोडिंग वगैरह जैसा कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग तो हुआ, कोई ऐड नहीं आया। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लोडिंग तो हुआ, कोई ऐड नहीं आया। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ऐड जैसा कुछ दिख रहा है ना, बट कई केसेस में यहाँ पे भी कोई ऐड नहीं आता। मैंने DNS एडगार्ड जस्ट अभी एक्टिवेट किया है, तो हो सकता है किसी वजह से यहाँ पे छोटा मोटा ये ऐड आ रहा हो, बट आप लोगों में नहीं आएगा। कई बार आ भी सकता है थोड़ा बहुत, बट ज़्यादातर टाइम नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं अगर आप लोग कोई मूवी देखते हो, ठीक है, मूवी देखते समय एक चीज़ ये याद रखना कि इस जगह पे जब ये आता है तो आप लोगों को कोई भी कट पिट नहीं करनी है, क्योंकि इसको कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोगों का अपने आप ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको बैक कर ले रहा हूँ, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले से इसके अंदर कितने कम ऐड आ रहे होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हाँ मैं इसको कटआउट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी आप लोग देख पाओगे अगर आप लोगों को पहले से पता है कि किस जगह पे कितने ऐड आते हैं, तो आप लोगों ने जब ये मेरी सेटिंग कर ली ना, उसके बाद आप लोग खुद ही डिफरेंस महसूस कर पाओगे कि अभी पहले से क्या चीज़ अंतर में है। ठीक है, आई होप सो कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे तुम लोगों को भाई टेराबॉक्स के ऐड से बचना है, और कैसे तुम लोगों को वो DNS की सेटिंग करनी है, और अगर DNS की सेटिंग कर चुके हो उसको सही कैसे करना है। ठीक है, आई होप सो कि ये सब तुमको क्लियर है, और तुम लोगों को मैंने ये भी बता दिया है कि प्ले स्टोर अगर गायब हुआ तो उसे लाना कैसे। आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ तुम लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे मेरा एक गेमिंग चैनल का भी लिंक है, तुम लोगों को भाई वो गेमिंग चैनल भी काफ़ी पसंद आने वाला है, तुम लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।